उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के पास ग्राउंड में बड़नगर रोड पर वर्ष भर में एक महीने का मेला लगता है। इस मेले में बड़ी संख्या में शहरवासी आनंद लेते हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर से व्यापारी भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। पिछले 2 वर्ष से गंभीर महामारी कोरोना वायरस के चलते मेला नहीं लगा था, पर इस वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्थानीय विधायक पारस जैन से व्यापारी बड़ी संख्या में मिले और अपनी समस्या बताई। राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, साथ ही विधायक पारस जैन ने व्यापारियों की समस्या को सुना और मेला लगाने पर स्वीकृति दी। मेले की स्वीकृति मिलने के बाद बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर से व्यापारी पहुँच चुके हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, किस प्रकार से आप लोग प्रतिष्ठान करेंगे, व्यापार करेंगे, क्या रहेगा? इस तरीके से करते हैं, करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा 3 साल से थोड़े टूट गए हैं। हाँ, किस बार तो भैया सामने विधायक जी सबने सरकार ने संज्ञान लिया और आप लोगों को व्यवस्था करने के उन्हें निर्देश भी दिए, बढ़िया व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो नेता जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं श्री चौहान सिंह जी का, तो उन्हें बिल्कुल हम लोगों को समझा जाता है और ये संस्कृति के अनुरूप लगाया जाता है। कार्तिक मेला कालिदास उद्यान बड़ी पुल के ग्राउंड में लगाया जाता है। पिछले वर्ष से कोरोना काल को लेकर के इस मेले पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा सभी प्रकार के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि अब देश के अंदर COVID-19 को लेते हुए 1 करोड़ से बाहर हम टीकाकरण लगा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस मेले को लगाने की अनुमति दी। साथ ही हमारे उज्जैन उत्तर के विधायक आदरणीय पारस जी जैन का भी हम अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश शासन में मंत्री आदरणीय मोहन जी यादव साहब का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे सांसद आदरणीय अनिल जी गुर्जर जी का भी हम अभिनंदन करते हैं जिन्होंने बहुत कम समय में, अल्प कम समय में हमारी बात को सुना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।